हेलो पीपल, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने पानी भर दिया था? हाँ थैंक यू। वही मैं बोली, मैंने खाली कर दिया। ज्यादा तो नहीं भर दिए? नहीं सही पर है। अच्छा ज्यादा हो गया क्या? हो जाता है वो थोड़ा लिटिल लिटिल। देखो आप, देखो पूरा पानी गिरा। उस दिन जिम में भी ऐसे ही हुआ था। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोफी परमार। अगर आप लोग पहले कोई वीडियो देख चुके हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाइए। क्या बोलती हूँ यार, मैं क्या बोलती हूँ, मैं शुरुआत में क्या होता है मुझे पता नहीं। लेट होता है, लेट हो रहा है मुझे, मुझे निकलना है। थोड़े से भी रीजन से अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, आगे देखते 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 रहिएगा, तो सब्सक्राइब करते हुए ही आगे बढ़ना। और तो मैं अभी जा रही हूँ जिम। प्रदीप भाई मैं बहुत लेट हो गई हूँ। यस, मैं लेट हो गई हूँ और मुझे जाना है जिम, जो कि मैं ऑलरेडी ऐसा भूत जैसे देख रहा हूँ। निम्मी बाय। उनको किसको बाय बोल रहा? आपको। इधर देख के आपको बाय बोल रहा हूँ। आ रही हूँ मैं घर वापस। आओ ठीक है। हाँ ऑफ। आऊंगे मतलब क्या है? आई लाइक इट। ठीक है, ठीक रहे, बाय बाय। आज मुझे जल्दी जिम से वापस आना है क्योंकि आज है जेरी का बर्थडे। आप लोगों ने देखा होगा, मेरी फ्रेंड है, उनका डॉगी है जेरी, तो उसका बर्थडे है तो उसी के लिए जाना है। एंड या स्टार्टिंग में जो मेरा इंट्रो गड़बड़ होता है ना, उसे बस इग्नोर करना। मुझे पता नहीं सिर्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। A few minutes later. All right, guys, तो मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे जिम। बस ऊपर ही जा रही हूँ। पता नहीं ब्लॉग कैसा बनेगा, हमेशा यही होता है, मुझे पता नहीं रहता है मैं ब्लॉग कैसे करूँगी, पर बनते बनते बन जाता है। सो पहुँच गई हूँ और आगे की स्टोरी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। One hour later. All right, तो मैं आ गई हूँ जिम से और मर गई हूँ मैं। सीरियसली बोलूँ मैं मर गई हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरी फ्रेंड के डॉग का बर्थडे है, मतलब जेरी का बर्थडे, मतलब हमारे बच्चे का बर्थडे है। तो मैं अभी वहाँ जाने वाली हूँ और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है, तो मैं फटाफट रेडी होती हूँ 15 मिनट में और निकलते हैं जेरी के बर्थडे के लिए। आई डोंट नो मैं वहाँ व्लॉग बना पाऊंगी या नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा था, हमने दिवाली में भी इतना ज़्यादा शूट नहीं किया था, थोड़ा सा ही मैंने जेरी के साथ में शूट लिया था। तो लेट्स सी, अगर मैं शूट कर पाई तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। एंड या आज का दिन बहुत अच्छा रहा है, दिन नहीं शाम। और वो कैसा हो गया है, मम्मी रहते हैं तो मुझे काफ़ी कुछ इन्हें हेल्प हो जाता है। मम्मी मुझे हेल्प कर देती कुछ चीज़ से क्योंकि मैं थक जाती हूँ जिम से, तो मम्मी काफ़ी कुछ घर में कर देते हैं। तो कैसा हो रहा है, अब मम्मी है नहीं तो मेरे ऊपर डबल वर्क आ गया है और मेरी बज रही है बैंड, लिटरली बैंड बज रही है। कल भी मेरा वर्कआउट बहुत हार्ड था और मैं जब सोई तो मैंने निमेश को बोला मुझे सुबह उठाना मत, ये मत सोचना मैं कि सोई हूँ, ये सोच के सोना कि मैं मर गई हूँ, उठाना बिल्कुल भी मत। सो या मैं सुबह 11 बजे उठी एंड फिर भी मेरी थकान नहीं गई एंड मेरा बॉडी बहुत पेन कर रहा है। सो मेरे पास में, मैं बात करते रहूंगी तो मेरा और 2-3 मिनट कम हो जाएंगे। एक और चीज़ है, जेरी का केक आ गया है। तो मैंने कोई बड़ा केक नहीं मंगाई हूँ, मैंने मंगाई हूँ कपकेक्स, जो मैंने मैंगो बेरी के लिए उनके बर्थडे पर मंगाया था, तो वो ही मैंने मंगाया है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरे बाल भी स्ट्रेट हो रहे हैं, मुझे जल्दी निकलना है। और मेरे एग्स नहीं, मुर्गी के एग्स क्या बोलते हैं, अंडे खा लेती हूँ, भूख लग जाती है एंड ताकत की बहुत जरूरत है क्योंकि कल जाके फिर वजन उठाना है। ओके, सो मैं हो गई रेडी और ये है जेरी का केक और मैं जा रही हूँ। निम्मी दरवाजा खोल दो, दोनों हाथ। एक्चुअली मैं घर जाने वाली थी जेरी के। निम्मी इंसान, इंसान मत बोलो, इंसान मत बोल, मतलब ऐसे मत बोलो, नाम है मेरा, पकड़ो एक मिनट केक। ऑलराइट, तो मैं आई हूँ जेरी के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए। सो उसके लिए मैंने कुछ सॉफ्ट टॉयज मैंने लिए। जेरी को टॉयज से खेलना बहुत पसंद है तो मैं ये गिफ्ट लूंगी और साथ ही जेरी की मम्मी आने वाली है मुझे लेने के लिए,
जो कि मेरा प्लान था सरप्राइज देने का, पर वो खुद ही आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, तो वो सरप्राइज तो पोपट हो गया मेरा। ये गिफ्ट पैक हो चुका है, एक गिफ्ट और पैक हो रहा है एंड वंदना आ चुकी है और मैं अभी निकलने वाली हूँ यहाँ से। जेरी को अभी घर पे छोड़कर आया है, जेरी घर पे अकेला है और निमिष मेरे साथ नहीं जा पाए क्योंकि मैंगो बेरी घर पर है, बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते अकेले, और मम्मी भी घर पे नहीं है जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, तो इसीलिए निमिष नहीं आ पाए। प्रॉब्लम चलो। मेरा बच्चा कितना सुंदर दिख रहा है। आजा चेरी, आजा 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 आजा। जेरी, ये देखो जेरी, ये किसका है? गिफ्ट। और ये वो भी चेरी। गिफ्ट। किसको प्यार करूं, कैसे करूं? जेरी का पार्टी हो गया है, अब हम बड़ों की पार्टी होने वाली है, मजा आने वाला है। तो अगर मैं शूट कर पाई तो जरूर करूंगी। एक्चुअली कैसा होता है ना, मोमेंट को एंजॉय करते रहो, उस टाइम पे अगर कैमरा आ जाता है ना तो सब फिर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, ओ अभी पोज देना पड़ेगा। So, आप लोगों ने देखा कि हम लोग मना रहे थे जेरी का बर्थडे एंड मैं अब अपने घर पर हूँ। आप लोग अब तक जो वीडियो देखते आए हो वो था परसों का वीडियो एंड वीडियो कल ही आ जाना चाहिए था, ये व्लॉग कल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी एंड मैं बाथरूम में गिर गई और मुझे थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई, तो उस वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई। सो आज वीडियो आएगा, मतलब आज वीडियो आ चुका है, आप लोग वो वीडियो देख रहे हो। तो कैसा है, हम लोगों ने बहुत मस्ती की, हम लोगों ने सिर्फ बर्थडे मैंने सिर्फ उतना ही चीज शूट करी और मस्ती का मैं शूट करना भूल गई। जैसे कि आप लोगों को पता है निमेश होते हैं साथ में तो वो कैमरा हैंडल करते हैं और मैं मस्ती करते रहती हूँ और निमेश वो सब शूट करते हैं। एंड निमेश थे घर पर क्योंकि मैंगो बेरी यहाँ पर घर पर थे, इनको अकेले छोड़ के नहीं जा सकते थे, तो मैं सब कुछ शूट नहीं कर पाई, जितना कर सकती थी मैंने उतना की, फिर बाद में सिर्फ मस्ती किया, हम लोगों ने बहुत मजा आया। सो हम जो डॉग पेरेंट्स होते हैं ना वो थोड़े से ऐसे ही होते हैं, जैसे आप लोग को लग रहा होगा यार कुत्ते का बर्थडे कौन बनाता है, लेकिन आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो डॉग्स को अपना बच्चा मानते हैं। हम भी उन्हीं में से हैं जो डॉग्स को अपना बच्चा मानते हैं, हमको तो डॉग्स बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लगता, हम उनको बच्चे ही बोलते हैं, स्पेशली मैं तो बच्चा ही बोलती हूँ। एंड या हम लोगों ने अपने बच्चे का बर्थडे बनाया और हमको बहुत मजा आया। निमेश को फोन आ रहा है ऑफिस से। सो ऐसे हमने अपने बच्चे का बर्थडे बनाया, हमारे जेरी का बर्थडे बनाया, बहुत मजा आया। एंड आखिरी में आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो बच्चे आप पालते हो, मैंगो आजा आजा आजा, और इट्स ओके, आप लोग अगर ऐसे ही अगर बच्चों को पालते हो, उनको प्यार करते हो, तो प्लीज उन्हें फेंकिए मत। ऐसे काफी सारे मैसेजेस आते हैं मुझे कि यहाँ पे ये डॉग मिला, यहाँ पे लैब मिल गया, यहाँ हस्की मिला है, यहाँ पोमेलियन मिला है। यानी कैसा होता है ना, आप लोग पाल रहे हो उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट करिए, और वो उनके लाइफ में ना आप लोग के अलावा कोई नहीं होता है, उनको दुनिया बाहर की पता ही नहीं होती है, तो प्लीज ऐसे कुछ भी गलत काम ना करें। देखिए मेरे पास में यूट्यूब है, आज ज्यादा लोग नहीं देख रहे, हो सकता है आज ना देखे, कल ना देखे, परसों ना देखे, एक ना एक दिन तो ये वीडियो किसी ना किसी के पास पहुंचेगा, और एक को भी अगर फील हो जाए कि नहीं हम लोग डॉग्स को फेंकना नहीं चाहिए या उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, तो मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो पूरा होगा एंड जो ब्लॉग करने का मोटिव है वो पूरा होगा। मैं पहले डॉग डॉग्स को लेके ज़्यादा वीडियोस बनाती थी, पर कैसा हो गया ना, लोगों को डॉग से रिलेटेड इतना वीडियो देखना पसंद नहीं है, सो
मैंने सोचा ओके व्हाई नॉट ट्राई डिफरेंट, और मैंने अपना डेली व्लॉग अपना चालू किया. एंड उसके साथ साथ मेरा मैसेज भी आप लोगों के लिए है कि प्लीज 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 इन जानवरों के साथ में बुरा मत करिए. आपने देखा जेरी कितना एक्सप्रेसिव है, कितना अपने इमोशंस को सामने रखता है, कितना प्यारा बच्चा है. ऐसे ही हर एक बच्चे ऐसे ही होते हैं, चाहे वो इंसान के हो चाहे किसी जानवर के हो. सो प्लीज आप लोग भी अपने बच्चों से प्यार करें, उनको बिल्कुल भी हर्ट ना करें. सो ये था आज का व्लॉग. अगर आपको किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक करिए और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को जिसका नाम है सोफी परमार. तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत. कोशिश करूंगी कुछ भी किसी भी तरीके से मैं आपको एंटरटेन कर पाऊं, या फिर कोई मैसेज अगर दे सकूं तो मैं वो करने की कोशिश करूंगी. वरना एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है मेरे घर में, कुछ ना कुछ नौटंकी वो तो आते ही रहेंगे. सो बने रहिएगा. बाय बाय.